सबर ते संतोख हर एक किसान दा ओ संयुक्त किसान मोर्चा जी दे दिशा आदेश दे नाल असीं चलदे आ। संयुक्त किसान मोर्चे तो बाहर एक पैर नहीं पुटदे, ओ संयुक्त किसान मोर्चा ठीक है। ते रीना सेठी इह आ रही है, ओदा इह जन्मदिन मनाया जाणा। इहनां नूं बंदा पुछण वाला होवे, रीना सेठी तुहाडी मासी दी कुड़ी लगदी आ, उत्थे आ के तुहाडा जन्मदिन मना रही आ। सामने तस्वीर दिखा रहे हाँ कि नरमे की फसल धान की फसल लैके आए हुए हैं, जिवें कि किसानों का कहना है कि जो फसल है जो धान की फसल है बिल्कुल ब्लास्ट हो चुकी है। नरमे की फसल पहला तो दस रहे हैं कि लाल सुंडी ने फसल है बिल्कुल खत्म की गई है। अब भारतीय किसान एकता टीम के जो आगू ने इतने पहुंचे हुए हैं, उन्होंने काफ़ी पिंड तो किसान अब एक डीसी के माध्यम से विज्ञापन देने आए हैं कि उन्होंने फसल का जो मुआवजा है वह पूरा मिले। अपन जो फसल ने खराब हो चुके हैं, इसका मेन दोषी जो दसिया जा रहा है कि जिस तरीके किसान अंदोलन चल रहा है, किसानी अंदोलन की आड़ जो सरकार ने जो ठगिया की ने माड़े बी दते हैं, उन्होंने जो उन्होंने फसलों ने खराब हो चुकी हैं। टीवी न्यूज़ माध्यम राही बिल्कुल सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं कि आज जो किसान ने किस तरीके का अपना ज्ञापन आ देखो जी, जिहड़ा झोना है नरमा तो तुहानू पता पहला ही जिहड़ी गुलाबी सुंडी उहदे विच आई है, नरमा पहला ही खत्म हो चुका है। झोने का भी आ तुसीं देख सकते हो एक भी दाणा नहीं है, आ तुसीं दिखाओ इन्हां नूं इहदे विच दाणा नहीं है। ये ब्लास्ट होया, नैक ब्लास्ट है और कीड़ा इहदे अंदर जड़ तो कीड़ा देखो तुसीं इत्थों सुकना शुरू हो गया, जड़ दे विच कीड़ा है, नैक ब्लास्ट नाल भी सारा, क्योंकि नरमा दा साडा बिल्कुल ही खत्म हो चुका है गुलाबी सुंडी नाल, हुण झोना भी खत्म हो गया। देखो देखो जी मैं तुहानू दसदा कि जिहड़ा ये हाईब्रिड बीज है जिहड़े मतलब जिहड़ियां कंपनियां ते सरकार दी मिली भगत नाल, कोई बायो दा स्टूडेंट है जिवें हुण गुरी बायो दा स्टूडेंट है ये दस सकदा है भी किस तरीके नाल जदों आपां बीज तैयार हुंदा है, हैंडमेड ये बीज हुंदे है, उहदे अंदर किन्नी दवाई लाउणी है की लाउणी है, वह मैडिकल कंपनियां दे नाल ते सरकार दी मिली भगत नाल ये चीज़ हुई है ताकि किसानों नू फाइनैंशली कमजोर कराया जा सके, क्योंकि साडा अंदोलन नू कमजोर करने की कोशिश की गई। अज किसान पहुंचे ने मुआवजे लैके ज्ञापन लैके, इस तो पहला भी काफ़ी बार किसान ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन जो सरकार ने टास्क फोर्स ने की कहना चाहोगे? देखो साडा काम है संघर्ष लड़ना, समय मार जिहड़ी है वो हर साल ही हुंदी है, और जदों भी कोई समय मार हुंदी है तो सानू आपदे मुआवजे वास्ते तो फसलों तो नसलों बचाने वास्ते शुरू तो लैके जदों तो सृष्टि साजी गई है, चाहे अंग्रेजों का राज से जी आज़ाद हो गए उस तो बाद जो पहला भी जो सरकार नहीं है
ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ 100 ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ 10 ਦਾਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਥੋਥ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜੋ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੋਈ 4-5 ਤਰੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।